सारे चोरां दा सज्जनों ही सब होना है, सारे चोरां दा सज्जनों ही सब होना है। शाला जी ने अली असगर खान और मुश्ताक अहमद गनी की कयादत में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला आजादी मार्च में शिरकत के लिए एबटाबाद से रवाना। हजारा मोटरवे पर गाड़ियों की तवील लंबी कतारें। हकूमती मशीनरी भी परेशान हो गई। रिकावटें हटाने के लिए रास्ते से करेने भी जुलूस में शामिल। नाजरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर आजादी मार्च में शिरकत के लिए एबटाबाद से बहुत बड़ा काफिला अली असगर खान और मुश्ताक अहमद गनी की कयादत में रवाना हुआ। इन्हें 15 के गलियात, बकोट, हवेलियां और लोरा सर्कल से अली असगर खान की कॉल पर सैकड़ों अफराद हवेलियां दमतोड़ बाईपास पर पहुंचे। सिटी मेयर सरदार शुजाह नबी, एमपीए नजीर अब्बासी, हल्का पीके 37 के लिए पीटीआई के मुतवक्के उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली मलिक सफदर अवान, साबिक जिला नाजम शहीद अनवर, तहसील लोरा से रजब अली अब्बासी और साजिद अब्बासी की कयादत में बड़े जुलूस अली असगर खान की काल पर पहुंचे। एबटाबाद शहर से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक अहमद गनी की काल पर सैकड़ों अफराद गनी बाग पहुंचे। एमपीए कलंदर खान लोधी तनावल से एक बड़े जुलूस के अमरा मुश्ताक अहमद गनी के जुलूस में शामिल हुए। जदून हाउस से अली खान जदून की कयादत में एक बड़ा जुलूस निकला। एमपीए मोमिना बासत भी एक बड़े जुलूस के अमरा मुश्ताक अहमद गनी के जुलूस में शामिल हुई। अली असगर खान और मुश्ताक अहमद गनी के जुलूसों का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल किया गया। लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावन की। शाह मकसूद के करीब एबटाबाद के तमाम जुलूस एक जगह जमा हुए। रास्ते से रुकावटें और कंटेनर वगैरह हटाने के लिए क्रेन भी शामिल की गई। आजादी मार्च के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए अली असगर खान, मुश्ताक अहमद गनी और दीगर का कहना था कि और कोई सोचता अगर ये है कि जो जज्बा यहाँ पे में नज़र आ रहा है कि हमारे रास्ते में कोई रुकावट जो है वो हायल होगी, ये बिल्कुल इस तरह नहीं है। हम लोग इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े होंगे और इमरान खान तक पहुँचेंगे और इमरान खान के शाना बशाना इस तहरीक में हम सब शामिल हैं और सब ने अपनी जान जो है वो लाइन पर लगाने के लिए तैयार हैं। लोग जो है मुजाहिद यहाँ पर सारे खड़े हैं, नौजवान हैं और इंशाल्लाह खान साहब हम आप तक पहुँचने वाले हैं। डी चौक तक जाना है, अपने लीडर की आवाज़ पे लबैक कहते हुए जाना है। रास्ते की रुकावटें इंशाल्लाह हमारे लिए कोई माने नहीं रखती और मैं इस पुलिस को तनबीह करता हूँ, पंजाब पुलिस को, कि खुदा के लिए गुल्लू बट न बनो। कल ये रिजीम फिर चेंज हो जाएगी, कल हमारे लोग होंगे और जो आपने हमारे वर्करों के साथ कहीं भी ज्यादती की, हम मासूद के आपसे इसका हिसाब लेंगे, फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। हम समझते हैं कि 1947 में हमने सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा आज़ाद किया था, उसके बाद आज तक हम अमेरिका के ग़ुलामी में रहे हैं और ये मर्द मुजाहिद जिसका नाम इमरान खान है, इसने आके इस ग़ुलामी को ललकारा है और इंशाल्लाह ये हमारे लोगों को आप देख लें, इन्होंने सर पे कफन बांध के आए हैं और इंशाल्लाह जब तक हमारा कायद वहाँ पे खड़ा है हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हमारे रास्ते में जो रुकावटें इन्होंने डाली हुई हैं तो ये तो आप अगर देखें तो फिज़िकल रुकावटें हैं। हम तो बड़ी बड़ी रुकावटों का सामना करने के लिए तैयार हैं, जिसमें हमारा पीडीएम और हमारी जो फॉरेन इंटरवेंशन हो रही है, इंशाल्लाह हम उनको भी उबूर करेंगे। तो ये जो रास्ते में कंटेनर्स और बैरिकेड्स हैं ये तो कोई बात ही नहीं है। इंशाल्लाह हमारा जो जज्बा है हम बड़ी रुकावटों को इंशाल्लाह उबूर करने के लिए आज इंशाल्लाह एक भरपूर शिरकत होगी और उम्मीद है कि ये आज़ादी मार्च अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा अगले चंद घंटों में। रहीम, कायद मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की काल पर, ये जम गफीर यहाँ पर जो जमा हुआ हुआ आप देख रहे हैं, ये इंशाल्लाह जब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा इसकी तादाद में इजाफा होता जाएगा। खुदा रा मेरे पाकिस्तानियों, पीटीआई के कारकुन तो आएंगे, मैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिविल सोसाइटी के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अगर आज ना निकले तो ये जो लोग आप पे चोर हुक्मरान हैं, ये हुक्मरान फिर इनके बच्चे भी आप पे हुक्मरानी करेंगे, इनकी बच्चियां भी आप पे हुक्मरानी करेंगी। आज एक बड़ा काफिला हम गलियात से भी लेके आए हैं और मुश्ताक साहब की क्यादत में इंशाल्लाह हम एबटाबाद से निकल रहे हैं। ये मैंने भी अपनी तारीख में देखा है, इतना बड़ा काफिला कभी भी एबटाबाद की तारीख में नहीं निकला होगा और आपने इस बात का भी आज अंदाज़ा लगा लें लोगों के अंदर जो जज्बा और जो जुनून है, ये रुकावटें इंशाल्लाह हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। कितने रास्ते रोकोगे? हाँ, तहसील लोरे थी, इमरान खान ने काफिले शामिल होने वास्ता है
अज अलहमदुल्ला असा अपने संगियां दोस्तों नाल मोटरवे पर पहुंची गया उन्हें टूल प्लाजा क्रॉस करी तो असा अपने कायद नाल इंशाअल्लाह सुहाबी ने मुकाम पर मुलाकात कर सा और सुहाबी थी इंशाअल्लाह असा उस बड़े काफिले की शक्ल अज इस्लामाबाद पहुंचा जिथे कायद सड़े कॉल दी डी चौक इंशाअल्लाह और वो गुलामी दी जंजीर जिन्हें कि 10 अप्रैल की जिन्हें बच्चे असं बदयासने अज अल्लाह ने फजल नाल असा पाकिस्तान ने लोगों नाल मिली तो अज इंशाअल्लाह पाकिस्तान कौम वास्ते खुशखबरी है असा इंशाअल्लाह जंजीर अज त्रोड़ी छोड़सा इंशाअल्लाह। रहमान रहीम अज माशाल्लाह असा तहसील लोरा तो काफ़ी तादाद जो असा मैं समझना शायद सैकड़ों तादाद दोस्त असा इतना आए हैं और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की क्यादत अली असगर खान नज़ीर अब्बासी साहब की क्यादत और बाकी हज़ारा रीजन की क्यादत पीछे इंशाअल्लाह ताला असा इंपोर्टेड गवर्नमेंट की असा भरपूर जवाब भी दसा इंशाअल्लाह ताला और कायद इमरान खान की क्यादत इंशाअल्लाह ताला असा इस्लामाबाद भी पहुंचा और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस्लामाबाद पहुंचने तो पहले जो असने कायद इमरान खान साहब ना मुतालबा सा कि गवर्नमेंट इंपोर्टेड गवर्नमेंट जी असर की ना मंजूर है इंशाअल्लाह ताला खत्म हो गई अल्लाह ने फैसला करना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इमरान खान सच्चा आदमी है, उसकी सच्चाई के ऊपर ये क्या ना कि ये गलत कर रहा है, नहीं वो सच्चा आदमी है और वो बार बार यही कह रहा है कि सच्चाई का साथ दो, तो अल्लाह भी यही कह रहा है कि सच्चाई का साथ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं चेयरमैन नवांशहर फरीदून खान आज अपनी भाइयों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने पार्टी के वर्करों के साथ मुश्ताक अहमद गनी की क्यादत में मरने जीने और हर मैदान में खड़े होने का तैयार कर रखा है और हम इंशाअल्लाह उनकी क्यादत में अपनी जान तक भी कुर्बान करने को तैयार हैं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह मेहरबान।